हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने फिर हाजिर हैं। हमने लास्ट लेक्चर में अपने जितने भी हुए हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, चाहे वो ऑल का हो या सम का, पॉसिबिलिटी का हो या फिर ओनली का, या फिर ओनली फ्यू का हो या अ फ्यू का। तो आज हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो सकें। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक, एक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल बनता है। और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग उसी के ऊपर नाबार्ड से रिलेटेड वीडियो लाने की 101% कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा सिर्फ मोकैम्पो पे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड है ओनली फ्यू और ओनली के ऊपर। स्टेटमेंट है हम लोग के पास और बहुत सारे कंक्लूजन है जिसमें आप लोग के सारे डाउट एक ही सेशन में होने वाले हैं क्लियर। आइए देखते हैं क्या है ओनली अ फ्यू। अब देखिए, जो हम लोग का सेशन जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको बता दूं कि ओनली अ फ्यू होता है सम विद सम नॉट। सम विद सम नॉट का मतलब है कि कुछ है कुछ नहीं है, 10% है 90% नहीं है, 50% है 50% नहीं है। तो ओनली अ फ्यू यूज होता है हमारा सम विद सम नॉट के लिए। ओनली अ फ्यू बैंक्स आर स्टाफ। अब ध्यान रखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनता है। ये होता है सम नॉट के लिए, ओनली अ फ्यू बैंक आर स्टाफ, कुछ ही बैंक स्टाफ हैं, ठीक है हमने इसे बना दिया, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो स्टाफ नहीं है, तो हमने ऐसे बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं अ फ्यू। ध्यान रखिएगा अ फ्यू का कुछ मतलब नहीं है, अ फ्यू का मतलब है बेटा आप लोग के लिए सम। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो आपसे ये भी कहे कि ओनली 10% स्टाफ और सेल्समैन, तो आपको ध्यान रखना है उसका मतलब भी सम ही है, अ फ्यू है, ना तो उसके आगे ओनली लगा है ना कुछ लगा है, अ फ्यू का मतलब होता है सम। तो सम स्टाफ आर सेल पर्सन, सम स्टाफ आर सेल्स पर्सन, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नो सेल्समैन, कोई भी सेल्समैन क्लर्क नहीं है, कोई भी सेल्समैन क्लर्क नहीं है, तो हमने ये बना दिया नो का रिलेशन इसका। ठीक है, अब हमारा डायग्राम पूरा हो गया है। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम विद सम नॉट, अब देखते हैं ओ अ फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। ऑल स्टाफ बींग बैंक, ऑल स्टाफ बींग बैंक इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, सारा का सारा स्टाफ बैंक हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, और ऑल बैंक बींग स्टाफ, ऑल बैंक बींग स्टाफ इज अ पॉसिबिलिटी, दो चीज़ें हैं वाइस वर्सा में दे रखा है। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, जब वो आपसे पूछे कि सारा का सारा ये वाला पार्ट, बैंक वाला पार्ट स्टाफ हो जाएगा क्या, तो आंसर है नो, डेफिनेट नो। क्यों, जब उसने ओनली अ फ्यू लिख दिया है इसका ये मतलब है कि कुछ बैंक स्टाफ हैं लेकिन कुछ बैंक स्टाफ नहीं है, उसने डेफिनेट बना कर दिया है कि कुछ बैंक स्टाफ नहीं है। तो सेकेंड वाले में अगर हम ध्यान दें, ऑल बैंक बींग स्टाफ, क्या सारा का सारा बैंक स्टाफ हो सकता है, तो आंसर है नो। और अगर आपसे पूछे कि सारा का सारा स्टाफ बैंक हो सकता है, क्या हम सारे के सारे इसको यहां ले जा सकते हैं, तो आंसर है यस। ध्यान रखना, जब भी जिस भी केस में वो लगा दे, जैसे उसने कहा है ओनली अ फ्यू बैंक्स, ओके उसने फ्यू बैंक्स के लिए पाया ना, तो सारे के सारे बैंक कभी भी स्टाफ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसने पहले ही डेफिनेट नो मना कर दिया है कि कुछ बैंक स्टाफ हैं तो कुछ बैंक स्टाफ नहीं है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ क्या है। ऑल स्टाफ कैन नेवर बी क्लर्क, ऑल स्टाफ कैन नेवर बी क्लर्क, बिल्कुल सही बात है। देखिए जरा, क्लर्क ये है, सेल्समैन ये है, अब देखिए ये एक थोड़ा सा पार्ट्स में आ रहा है, ठीक है थोड़ा सा पार्ट्स में आ रहा है, और अब देखो थर्ड वाले सेकंड वाले ऑप्शन में क्या कह रखा है कि ऑल स्टाफ कैन बी क्लर्क, ऑल स्टाफ कैन बी क्लर्क। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहा था, वो कहना चाह रहा था कि आज सारा का सारा स्टाफ क्लर्क हो सकता है, तो भैया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्लर्क का पोस्ट थोड़ा सा पोर्शन सेल्समैन में आ रहा है और सेल्समैन का कोई भी रिलेशन नहीं है क्लर्क से, और ये क्या आ रहा है इसमें, ये कॉमन पोर्शन भी आ रहा है,
इसलिए सारे के सारे स्टाफ कभी भी क्लर्क नहीं हो सकते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। और ऑल स्टाफ कैन बी क्लर्क, क्या सारा का सारा स्टाफ क्लर्क हो सकता है? नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नौकर रिलेशन में है सेल्समैन के साथ, इसलिए सारा का सारा स्टाफ कभी भी क्लर्क नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपको बिल्कुल ज़िंदा रिलेशन उसमें मिल रहा है तो थोड़ा सा उसे इमेजिन करने की कोशिश करिएगा कि होता है या नहीं होता है। अब देखते हैं लास्ट वाला, ऑल क्लर्क कैन बी स्टाफ, ऑल क्लर्क कैन बी स्टाफ और ऑल क्लर्क कैन नेवर बी स्टाफ। ठीक है, ये देख रख, अब देखिए जरा इसका एक डायग्राम अगर मैं इसे बना दूं, अब उसने कहा है क्या सारा का सारा क्लर्क स्टाफ हो सकता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब इसका ये थोड़ा सा पोर्शन कॉमन आ रहा है तो ये कैसे हो सकता है ना? ऑल क्लर्क कैन बी स्टाफ, तो इसका आंसर होगा नो। ऑल क्लर्क कैन नेवर बी स्टाफ, यस ऑब्वियसली ट्रू है। ठीक है, ध्यान रख, हो गया समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, क्या आपको ध्यान रखना है कि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम विद सम नॉट, अगर आपको अ फ्यू दे रखा है तो उसका मतलब होता है सिर्फ सम। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे, उसके बाद हम आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, और ध्यान रखिए हमारे चैनल पर आइए, कमेंट सेक्शन कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।